हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो अभी बज वजरे सुबह के छह वैसे मैं सुबह पांच बजे उठ गई थी क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है तो मम्मी ने कल रात को ही बोला था कि आज के दिन बिना किसी को कुछ बोले नाना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा होता है तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने यही काम किया बिना किसी को कुछ भी बोले ना के आई तो गाइस अभी मैं आ जाती हूँ किचन में तो पहले मैं अपने लिए पानी गर्म करूंगी क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे तो गर्म पानी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं वैसे सबको पीना चाहिए तो चलो अब मैं तो गर्म पानी पी लेती हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं तो अभी ऋधु ना उठे उससे पहले मैं रिधु के लिए दूध गर्म कर देती हूँ और इस गरम दूध को मैं इस कप में डालकर साइड में रख देती हूँ ताकि ये दूध ठंडा हो जाए और अब मैं बना रही हूँ मेरे और मम्मी के चाय क्योंकि हर घर में सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम होता है वैसे तो 75 परसेंट लोग सुबह चाय पीना ही पसंद करते हैं जिनमें एक मैं और मेरी मम्मी भी आते हैं तो अब जल्दी से मैं और मम्मी चाय पी लेते हैं और उसके बाद मैं आ जाती हूँ झाड़ू निकालने वैसे सुबह जल्दी उठने का एक फायदा तो होता है कि जितना जल्दी उठो उतना जल्दी काम खत्म हो जाता है नहीं तो पूरा दिन काम करने में ही चला जाता है और काम करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता तो अभी मैं जा रही हूँ रिदु को उठाने वैसे रिदु का उठने का टाइम भी हो गया है और अभी मैं नहीं उठाऊंगी तो सोती रहेगी रिदु खड़ा हो जाए चल सुबह हो गई चल रुदू नहीं बनाते रहे रिदु देखो ये रिदु कैसे कर रही है उठ भी नहीं रही है भले इसको दस बजे तक नहीं उठाओगे तो भी नहीं उठेगी है तो दोस्तों रिधु तो उठ ही नहीं रही थी इसलिए मैं उसको उठाकर सीधा किचन में ही लेके आ गई क्योंकि रिधु को कितना भी सोने दू लेकिन उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती है वैसे ये रिदु का ही नहीं सब छोटे बच्चों का यही रहता है कि उनको जितना सोने दो उनको कम ही लगता है तो अब बज रहे सुबह के साढ़े आठ इसलिए मैं किचन में आके सबसे पहले मैंने लगाया आटा लेकिन रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं आटे को साइड में रख के पहले लौकी के गट्टे बनाने लग जाती हूँ और दूसरी साइड कड़ी भी बना देती हूँ जो कि मेरे भाई की फेवरेट है वैसे कड़ी तो बनके तैयार है और पांच मिनट बाद लौकी के गटे भी बन जाते हैं और अब ये लौकी के गटे ठंडे ना हो उससे पहले मुझे रोटियां भी बनानी पड़ेगी तो दोस्तों अब मैं लग जाती हूँ रोटी बनाने तो हमेशा रोटी मम्मी ही बनाती है लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए मुझे रोटी बनानी पड़ी तो फाइनली मेरा सुबह का खाना बन के तैयार है और अब मैं मम्मी और ऋदू बैठ जाते हैं खाना खाने तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट मॉर्निंग रूटीन व्लॉग है तो हो सकता है कि मुझसे इस वीडियो में कुछ गलतियां हुई हो जिसके लिए आप सभी को दिल से सॉरी और वही आप लोग मुझे कॉमेंट करके भी बताना की मैंने इस वीडियो में क्या गलती की ताकि मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपनी गलती को सुधारू तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय